क्या खास होता है जो 14 तारीख को यहाँ झंडा फहराया जाता है? जब देश आज़ाद हुए थे तो सबसे पहले लोग तो बोलते हैं कुछ और, लेकिन सबसे पहले राष्ट्र ध्वज अगर फहराया गया था तो पूर्णिया के इस झंडा चौक। उसके बाद जब पाकिस्तान हिंदुस्तान वाली बात आई थी तो उसके बाद बाघा बॉर्डर पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया। ये बात आप लोग भी समझ सकते, ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे इस पूर्णिया की धरती पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्र ध्वज 12:01 में फहराया था। और हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सत सत नमन करते हैं। और आज के दिन हम उस सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिसने आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई, साथ ही आपको पता होगा कि हमारी कितनी बहनें हाथ में राखी बांधना बंद कर दी ताकि उसके भाई उस संग्राम में मर गए, कितनी माताएं सिंदूर मिट गए, ऐसे फ्री में क्या कहते हैं राष्ट्र का जो यह पर्व मनाते हैं, फ्री में हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। हमारा स्वतंत्रता के लिए हमने बहुत चीज खोया है, इसे हर वर्ष राष्ट्रध्वज को सम्मान से मनाना चाहिए। और साथ ही मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ राष्ट्रध्वज फहरा देने से नहीं होता है, राष्ट्रध्वज का सम्मान भी होना चाहिए। सड़कों पर भी गिरा पड़ा अगर मिले तो उस राष्ट्रध्वज को उठा करके सीने लगाइए और नमन कीजिए उस स्वतंत्रता सेनानियों को। मैं आपको बता दूं कि मैं 25-30 वर्ष से राष्ट्रध्वज को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दूसरे दिन राष्ट्रध्वज को गली गली मोहल्ले मोहल्ले से चुन कर उस राष्ट्रध्वज को सम्मान करता हूँ। जल समाधि में जब आज़ादी की बात हो रही थी, जैसे रात 14 अगस्त के मध्यरात्रि 12:01 में लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा किया कि भारत एक स्वतंत्र गणराज्य है, उसी वक्त यहाँ पे मौजूद स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह जी, कमलदेव नारायण सिन्हा जी, राम रतन शाह जी और शमशीर हज जी, सत्यनाथ भादुरी जी, मोल बाबू सभी उपस्थित थे। और उस समय गणेश दास MB मिष्ठान भंडार, उन्होंने 8 मन जिलेबी बांटा था। अंदाजा लगाइए क्या भीड़ और उत्साह होगी उस समय। यह तो हम लोग दादाजी से सुने और अब भी जो हम लोग कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छा हो रहा है। निर्वाण कर रहे हैं, भीड़ भी होती है। आप अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।